आज का प्रातः क्लास है 11 अक्टूबर 1968। ये है बाप और बच्चों का मेला। ये कोई गुरु और चेलों का गुरु व शिष्यों का मेला नहीं है। उन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है ये हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स हैं, जिज्ञासु हैं, तो उनकी दृष्टि हल्की हो गई। वो उस हल्की दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं देखेंगे। वो देखते हैं शरीर को। और वो शिष्य अथवा फॉलोअर्स भी देह अभिमानी होकर के बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। तो दृष्टि तो वही देह अभिमान की रहती है, समझते हमारा गुरु है। गुरु के लिए कितना रिगार्ड रखते हैं, यहां तो बहुत फर्क हो जाता है। यहाँ बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। तो बच्चों को बच्चे बच्चे ही कहेंगे। उन बच्चों के दिल में बाप का लव नहीं रहता है और गुरुओं के दिल में भी लव नहीं होगा बच्चों का। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है, क्योंकि ये है प्रवृत्ति मार्ग का लव। बाप और बच्चे वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तो उनका लव तो रह ही नहीं सकता। उनको कहा जाता है भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको षष्ठी चक्र का ज्ञान सुनाते हैं, और ये गुरु लोग क्या सिखलाते हैं, आधा कल्प शास्त्र शास्त्र वेद आदि सुनाते रहते, भक्ति का क्रियाकर्म, गायत्री संध्या आदि सिखाते सिखाते आधा कल्प बीत गया। यहां तो बाप आकर के अपना परिचय देते हैं, हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे। गुरुओं में सल हम भी सर्वव्यापी कह देते थे, उनसे कब भी पूछो परमात्मा कहाँ है तो झट कहेंगे सर्वव्यापी, मेरे में है, तेरे में है, कण कण में भगवान है। और तुम्हारे पास जब मनुष्य आते हैं तो पूछते हैं यहाँ क्या सिखलाया जाता है, तो बोलो यहाँ राजयोग सिखलाया जाता है, जिस राजयोग से तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग में ऐसा नहीं होता होगा जो राजा बनाया जावे,
अथवा मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देवे। तुम जानते हो कि देवता ही तो होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। तो देवताओं में और मनुष्यों में खास अंतर क्या हुआ? देवताएं दिव्य बुद्धि वाले होते हैं और मनुष्य चंचल बुद्धि वाले होते हैं। उनका मन सदैव चंचल रहता है। अभी बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जावेंगे और तुमको पावन बनने की युक्ति भी बहुत अच्छी बतलाते हैं। ऐसी युक्ति 63 जन्म में कब कोई गुरु ने नहीं सिखाई होगी। ये बहुत सहज राजयोग है और बाप ही पतित पावन है। वो सर्वशक्तिवान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अग्नि है ना, तो यहां नई बात सिखलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान अर्थात समझ, जानकारी। ज्ञान का सागर एक ही बाप होता है। और भक्ति तो अनेकों से आती है, तो ज्ञान और भक्ति अलग अलग बातें हैं। ज्ञान सिखलाने के लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है और वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। कहते हैं मैं सभी का बाप हूं। ब्रह्मा द्वारा तुमको षष्ठ चक्र का ज्ञान समझाता हूं। पुकारते आए हो कि आकर के हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं पुकारा होगा कि आकर हमको ज्ञान सुनाओ। नहीं, कहते रहे हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। तो मैं आकर के सारी सृष्टि को पावन बनाता हूं, ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना करके चला जाऊं और फिर सारी सृष्टि अपने आप पावन बनती रहे। पावन दुनिया है सतयुग और पतित दुनिया है कलयुग। तो जरूर मैं आकर के सतयुगी पावन दुनिया बनाऊंगा। ये है कलयुग और सतयुग का संगम। ये सतयुग आदि होने वाला है और कलयुग का अंत होने वाला है। इस बीच इसको कहते हैं लीप युग। इसमें हम जंप मारते हैं। ऐसी हाई जंप लगाते हैं कि पतित दुनिया को छोड़ करके पावन दुनिया में चले जाते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं।
वहां सतयुग में तो सीढ़ी आस्ते आस्ते नीचे उतरते आए। यहां तो हम छी छी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं। ये कौन सी ताकत है जो हम हाई जंप लगाते हैं? यह है याद की शक्ति। सीधा चले जाते हैं ऊपर, पुरानी दुनिया को छोड़ करके नई दुनिया में चले जाते हैं। और ये बेहद की बात है, बेहद की। पुरानी दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। उस नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, अर्थात स्वयं स्थिति में जाने वाली आत्माएं बहुत थोड़ी होती है। और वो स्वयं स्थिति में जाने वाले सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में तो सब हैं देह अभिमानी, तो सभी अपवित्र हैं। और अपवित्र बनाता कौन है? रावण पवित्र बनाते हैं, अनेक मुख वाला है ना, तो अनेक कीमत पर चल करके हम अपवित्र बनते हैं। तो ये बात सभी को समझाओ। क्या एक सदगुरु की मत पर सदगति और अनेक गुरुओं की मत पर दुर्गति? तुम अभी पराई रावण राज्य में हो, असल में तुम राम राज्य में थे। तब तुम्हारा भी रूप असुल था, अभी नकली बन गए हो। समझते हो हम देह हैं, वहां तुम अपन को असल आत्मा समझते थे, तब राम राज्य में थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर कैसे 84 का चक्र लगा करके नीचे गिरे, वो बात भी तुम बतला सकते हो। जो अच्छे सयाने समझू बच्चे होंगे वो तो झट समझ जावेंगे, जिनकी बुद्धि में नहीं आवेंगे वो तवाई मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन दे करके नहीं सुनेंगे। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा सुनाने बैठते हैं तो कोई झुटका खाते रहते हैं, या अटेंशन और तरफ चला जाता है, इधर उधर देखते रहेंगे। तो अचानक उनसे पूछा जाता है, बोलो तुमने क्या सुना? तो बाप भी सभी बच्चों को देखते रहते हैं। कोई तवाई होकर के तो नहीं बैठा है? अच्छे शुरूड बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में काब उबासी आदि नहीं खाते। बहुत हैं जैसे कि तवाई होकर के बैठते हैं। स्कूल में कब कोई आंख बंद करके बैठे, ये तो कायदा ही नहीं है। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं है। बाप को याद करना ही बड़ा मुश्किल, फिर बाप कैसे कटे? पाप तो कटेंगे बाप की याद से। जो तेज बुद्धि वाले होंगे वो तो अच्छी रीति धारण करके औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञानी नहीं है
तो फिर बुद्धि मित्र संबंधियों आदि की तरफ भटकती रहती है। यहां तो बाप कहते हैं कि और तरफ से बुद्धि योग हटाओ, सभी कुछ भूल जाना है, एक बाप को याद करो। 11 अक्टूबर 1968 की वाणी का दूसरा पेज, पिछाड़ी में कुछ भी याद न रहे, इतनी याद की प्रैक्टिस तुम्हारी बढ़ती जानी चाहिए। बाबा को सन्यासियों आदि का भी देखा हुआ है, जो पक्के पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं, सवेरे सवेरे ऐसे बैठे बैठे अपने ब्रह्म महत्व तत्व को याद करते करते शरीर ही छोड़ देते हैं। बाबा उस समय ज्ञान में था, सवेरे प्रभात के समय 4 बजे वायुमंडल बड़ा ही शांत हो जाता था, तो समझा जाता था कोई ने शरीर छोड़ा है। उनकी शांति का बहुत प्रभाव होता है, फिर मालूम पड़ जाता है फलाने ने ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। परंतु वो ब्रह्म की याद करने वाले ब्रह्मलोक में लीन तो नहीं हो सकते, फिर भी माता के गर्भ में उनको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि बिचारों को ज्ञान तो है ही नहीं कि ब्रह्मलोक कहाँ है, वहां ब्रह्मलोक में क्या होता है। बाप भी कहते हैं ब्रह्मा को याद करने से कोई पाप नहीं कटेंगे, फिर गृहस्थियों के पास ही जाकर के जन्म लेना पड़े, गृहस्थी के पास जन्म जरूर लेना पड़ेगा। बाप ने समझाया है महात्मा वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ है ऐसे ही कहते रहते हैं महात्मा, बाप समझाते हैं श्री कृष्ण तो है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं कहेंगे, उनको देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी तो अर्थ है ना, ये ब्रह्मा देवता कैसे बना, वेद का सन्यास किया तो फिर चले गए नहीं दुनिया में। वो सन्यासी तो हद का सन्यास करते हैं, तो हद का सन्यास करने वाले बेहद की दुनिया में जा नहीं सकते हैं, हद में ही पुनर्जन्म उनको लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन ही नहीं सकते। राजा रानी तो वो कब बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हों का तो धर्म ही अलग है, उनका है सन्यास धर्म, देवी देवता प्रवृत्ति मार्ग तो है नहीं। सन्यासी धर्म वाले देवी देवता धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते, फिर वो गीता आदि क्यों उठाते हैं, गीता में तो प्रवृत्ति मार्ग वालों का ज्ञान है। अर्जुन गृहस्थी था ना, तो ये भी एक अधर्म की बात हो गई, इसलिए बाप कहते हैं अधर्म का विनाश करके एक आदि सनातन सच्चा सच्चा धर्म की स्थापना करता हूं, बाकी ये सभी अधर्म करते रहते हैं। विकार में जाना भी अधर्म है, इसलिए बाप कहते हैं सभी का विनाश कर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना अर्थ मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वो ही धर्म फिर अधर्म बन जाता है।
अभी तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना फल पावेंगे। अपन को आत्मा पक्का निश्चय करना है। बल धंधा आदि करते रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठ करके एकांत में बैठते माला जपते, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो, फलानी समय इतने मिनट हमको ऐसी ऐसी याद रही, फिर सभी मिला करके टोटल रात में निकालते हो, सारे दिन में इतना समय याद रहा, वो तो सवेरे उठकर ही माला फेरते हैं। बल सभी कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं, कईयों की तो बुद्धि सदैव बाहर में भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से कुछ भी फायदा मिलने का नहीं है, ये तो ज्ञान है जिससे बहुत फायदा होता है। इस ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला होती है। तो बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, और ये अक्षर गीता में भी है, परंतु इसके अर्थ को सुनाने का अकल सन्यासियों में नहीं है। बाप इसका अर्थ बताते हैं, तीन अक्षर हैं, मत मेरे, मना मन में, भव माने समाजा। बाप कहते हैं मेरी तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन रूपी ब्रह्मा, बुद्धि रूपी त्रिनेत्री शंकर और संस्कार रूपी विष्णु। ये नहीं कहते हैं कि संस्कार में समा जा, मेरे संस्कार में समा जा। मेरा संस्कार कौन सा है? अरे शिव बाप का संस्कार क्या है? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तुम्हें ऐसा बनाने आया हूं क्या? सदा के लिए निराकारी निर्विकारी निरहंकारी शिव समान बनेंगे? नहीं, मैंने तो तुम्हें लक्ष्य दिया है नर से नारायण बनना है। तो कहते हैं मन मना भव, मेरी जो पहली शक्ति है ब्रह्मा रूपी मन, और वो भी मन अधूरा नहीं, संपूर्ण स्टेज को पाया हुआ मन, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मा। जैसे कहते हैं संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। एक होता है अधूरा पुरुषार्थी ब्रह्म या अधूरा ब्राह्मण, और एक होता है ब्रह्मा सो विष्णु। संपूर्ण स्टेज हो गई, तो जो संपूर्ण स्टेज वाला ब्रह्मा है ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है, उसकी जो स्टेज है उस स्टेज में समाजा भव। तो पक्का निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं, नहीं तो इन बातों का अर्थ सुनाने का आकल भी
रहता नहीं है। उन सन्यासियों को तो इन बातों का जवाब देना भी नहीं आवेगा। उनसे पूछा जाए कि भगवान ने कहा मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो मेरे मन में क्या है, अर्थात भगवान के मन में क्या है, तो जवाब नहीं दे सकेंगे। वास्तव में इनका अर्थ लिखा हुआ है, अपन को आत्मा समझो और देह के जो भी संबंध हैं, जो भी धर्म हैं, सब को छोड़कर मामेकम, कोई दूजम को नहीं, मामेकम याद करो। भगवान वाच है ना, परंतु उनों की बुद्धि में कृष्ण भगवान है। अब कृष्ण तो बच्चा है, भगवान कैसे हो सकता, वो तो देहधारी मनुष्य है। राम कृष्ण तो देवताएं थे, वो कोई भगवान नहीं है, वो पुनर्जन्म में आने वाले हैं। भगवान तो पुनर्जन्म में नहीं आता है, तो कृष्ण को भगवान कैसे कह सकते। सन्यासियों आदि की कोई दृष्टि बाप बच्चों की हो ही नहीं सकती है। बल गांधी को बापू कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध तो नहीं कहेंगे। वो गांधी तो फिर भी साकारी हो गया। तुमको तो समझाया जाता है अपन को आत्मा समझो, इसमें जो बाप बैठा है वो बेहद का बापूजी है। वो गांधी तो वास्तव में हद का बापूजी भी नहीं था। क्यों है वो हद का बापूजी क्यों नहीं था? 40 करोड़ मनुष्य है, उसको भारतवासियों का बाप नहीं मानते थे। कहेंगे मुसलमान तो नहीं मानते थे, मुसलमान बाप किसको मानते। क्रिश्चियंस क्राइस्ट को मानते हैं, बौद्ध महात्मा बुद्ध को मानते हैं, परंतु ये सब देहधारी हैं, पुनर्जन्म में आने वाले। तो बाप कहते हैं कि गांधी से क्या वर्षा मिलता था, कहते हैं स्वतंत्रता मिली, बाप कहते हैं कुछ भी नहीं मिली स्वतंत्रता। जैसे भक्ति मार्ग में वर्षा कुछ नहीं मिलता है, लौकिक बाप से ही वर्षा मिलता है, तो बापूजी से भी कुछ वर्षा नहीं मिला। अच्छा समझो, भारत की राजधानी हाथ में कर ली, परंतु वो सुख शांति का वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख का वर्षा तो मिलना चाहिए ना। तो वर्षे दो होते हैं, एक हद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है, हद का, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा का भी कोई वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा व क्राइस्ट की पूजा से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बल प्रजापिता ब्रह्मा सारी प्रजा का पिता है, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु वो खुद ही कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी नहीं मिलता है।
जबकि ये खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर उसे गांधी बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। 11:10-11:68 की वाणी का तीसरा पेज। हाँ, कहेंगे फॉरेनर्स चले गए, अंग्रेज चले गए, परंतु उन अंग्रेजों की राजधानी में तो फिर भी कुछ सुख था। अभी देखो क्या हाल हो गया है, भूख हड़ताल, सयापा आदि जो कुछ भी सिकला करके गए हैं वो सभी अब सामने आता जाता है और ही तंग करते रहते हैं प्रजा को। तो बताओ फिर फायदा क्या हुआ? और ही जास्ती स्ट्राइक आदि होते होते कितना मारामारी बढ़ती जाती है, जैसे कोई का डर नहीं है, गवर्नमेंट में जैसे ताकत ही नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी लाठी मार देते हैं। तो देखो सुख के बदली और ही दुख हो गया। तो बेहद का बाप और बच्चों की बात तो यहां आती है। बाप कहते हैं पहले पहले तो ये निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, तभी बाप के बच्चे महसूस कर सकेंगे हम शरीर नहीं है, बाप ने हमको अडॉप्ट किया है, हम आत्मा रूपी अडॉप्टेड बच्चे हैं। किसने कहा कि हमारे बच्चे बनो? तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया हुआ है और सृष्टि का चक्र समझाते हैं, दूसरा तो कोई ये चक्कर समझा ही नहीं सकता। इस चक्र को समझने तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो, तो सतो प्रधान तो जरूर बनना पड़ेगा, ऐसे और कोई भी समझा नहीं सके। सतो प्रधान बनने के लिए ही बाप कहते हैं मां में एकम याद करो। एकम क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे एक के अलावा कोई भी सतो प्रधान नहीं बना सकता। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ दो, ये भी जानते हो पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होते हैं। कहां नई दुनिया में और कहां पुरानी दुनिया में, थोड़े लाख, कहां 400-500 करोड़। तो बताओ जब पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो इतने सभी कहां जावेंगे? अभी तुम्हारी बुद्धि तो ऊपर में है कि हम सभी आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहां आए हैं पार्ट बजाने। हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, आत्मा ही एक्ट करती है इस शरीर के द्वारा, तो आत्मा को ऑर्गन्स चाहिए। अभी आत्मा देखो कितनी छोटी है, ये भी समझते हो 84 लाख जन्म है। ये भक्ति मार्ग की कहानी है, वो तो है ही नहीं। हरेक अगर 84 लाख जन्म लेवे तो फिर रिपीटिशन कैसे होगा? बाप तो कहते हैं ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, सब कुछ स्मृति से बाहर चला जावे। अभी देखो तुमको 84 जन्म भी याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अभी तुम बच्चों को बाप को याद करके पवित्र जरूर बनना है,
इस योग अग्नि से ही तुम्हारे विधम विकर्म विनाश होंगे, ये भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते आए हैं, अभी फिर से स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने डायरेक्शन दिया है कि माम एकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं। तुमने बाप को पुकारा तो अभी बाप आए हैं पावन बनाने के लिए, और पावन देवताएं ही बनते हैं, जो देवात्माएं होंगी वो ही पावन बनेगी। मनुष्य तो सब पतित होते हैं, पावन आत्मा बन करके फिर शांति धाम जाना है। अगर तुम शांति धाम चाहते हो या सुखधाम में आना चाहते हो तो पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी जो कहते हैं कि स्वर्ग के सुख काग विष्टा समान, हमको तो स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो शांति चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग वाले कब सत्युग में तो आ ही नहीं सकते। सत्युग में तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, निवृत्ति मार्ग का धर्म था ही नहीं। बाप समझाते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवताएं थे, जो देवी देवताएं अभी विकारी असुर बन गए हैं वो ही देवताएं पहले निर्विकारी थे, वो ही फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बने। अभी बाप कहते हैं फिर निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जावेंगे, तुम पुण्य आत्मा बन जावेंगे। बाप को याद करते करते तुम स्वर्ग के मालिक बन जावेंगे। जब तुम स्वर्ग में थे तो बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। वहां शांति ही शांति थी। फिर तुम नई दुनिया में आए तो सुख भी था और शांति भी थी। अभी दुखधाम है, फिर बाप आकर सुखधाम की स्थापना करते हैं, दुखधाम का विनाश कराए देते हैं। ये दुखधाम सारी दुनिया बन गई है, सुखधाम सिर्फ भारत में होता है। कहाँ होता है, क्या नाम बताया, सुखधाम सिर्फ भारत में होता है। क्यों, क्योंकि भारतवासी भारतात रोशनी में ही निवास करते हैं, उनकी बुद्धि में बैठ जाता है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, ज्ञान का धंधा ही संसार में नई दुनिया लावेगा, बाकी धंधे तो सब धूल में मिल जाएंगे। तो भारत में ही सुखधाम बनता है, और देश देशांतर जो भी है उनमें ऐसी भावना पनप नहीं पाती है कि ज्ञान में रमण करने से ही सुखधाम बनेगा, धंधा धोरी में लगे रहते हैं। अभी तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुमको बेहद की बात सही मिल जाएगी। ये चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो। गोले के चित्र पर ले जाओ, पूछो, चार युग है, इन चार युगों में तुम अभी कहाँ खड़े हो। अभी कलयुग का अंत है, एटम बम बन चुके हैं, विनाश सामने खड़ा है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। तो पूछो
अभी तुम कहाँ खड़े हो? सारी दुनिया का विनाश होगा, फिर जाकर के थोड़ा हिस्सा रहेगा। इतने धर्म खंड आदि तो फिर रहेंगे ही नहीं। ये सभी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप बैठ समझाते हैं। ये पाठशाला है, भगवान वाच है। यहां पहले पहले परिचय बाप का देना पड़ता है। अभी कलयुग है, पहले गोल्डन एज था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी आयरन एज नरक है, फिर स्वर्ग में हमको जाना है। वहां स्वर्ग में सुख ही सुख होता है, और एक को ही याद करना है, वो ही है अभी बिचारी याद। इस शरीर को भी भूल जाना है। ये भी पर है, स्व तो सिर्फ आत्मा ही है, तो अपन को आत्मा समझना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम ही वापस जाना है। वहां पतित आत्मा कोई भी नहीं जा सकेगी। बाप को याद करते करते तुम पावन बन के मुक्ति धाम चले जावेंगे। तो ये बात अच्छी रीत बैठ करके समझाना पड़ता है। आगे इतने सभी चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्रों के भी नटसेल में समझाया जाता है। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बनाया जाता है। ये दुनिया के लिए नई बात है, वो तो बाप ही नारी जाकर के देते हैं मनुष्य से देवता बनाने की। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर, बुद्धि में रहता है। हम आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम भी समझते हो बेहद का बाप हमको समझाते हैं। हम आत्मा हैं और समझाने वाले का नाम है शिव, वो हमारा शिव बाबा है। 11:10:68 की वाणी का चौथा पेज। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मुझे जावेंगे, क्योंकि दुनिया में बाबाएं तो बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा, बाप कहते हैं मैं इसमें हूं तो भी मेरा असल नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूं। ये रथधारी नॉलेज देने वाला नहीं है आत्मा, नॉलेज देने वाला मैं शिव हूं। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। आत्मा को एडाप्ट किया है तो फिर इनका नाम पड़ा है प्रजापिता ब्रह्म। बलि यह भी पिता है, परंतु इनसे वर्षा नहीं मिलता है। इन द्वारा नई दुनिया का वर्षा मैं तुमको देता हूं। इनको भी वर्षा मेरे से मिलता है। ये आत्मा भी मुझसे लेती है। मुझे इस तख्त का आधार जरूर लेना पड़ता है, वो भी उसका आधार लेता हूं जिसने बहुत जन्म लिए हैं। जो पहले पहले गोरा था, फिर काम चिच्छा पर बैठ पहले पहले काला हो गया। सांवरे और गोरे की निशानी भी बहुत अच्छी है। इतना काला और कोई बनता नहीं है, परंतु ये भी समझते नहीं है कि इसका कारण क्या है, किसको भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो ये गोरा था, फिर वो ही अब काला बना है, परंतु इतना काला कैसे बना?
इतना गोरा और इतना काला और कोई धर्म में नहीं हो सकता। इसके लिए खास गाया हुआ है श्याम सुंदर, कृष्ण गोरा ही था ना, काला थोड़े ही कहेंगे। कृष्ण को कब काला तो करना ही नहीं चाहिए। बाप ने समझाया है वो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल काला बना है काम चिच्छा पर चढ़ करके। तो जैसे बाप बैठे तुम बच्चों को समझाते हैं, वैसे तुम भी समझ करके औरों को समझाते हो, सेंटर से वृद्धि को पाते रहते। कोई अच्छा समझाते हैं, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, जो फर्स्ट क्लास हैं वो समझाते भी फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास वाला थर्ड नमूने का समझाएगा। और समझानी तो एक ही है, इनमें ज्ञान और योग की ताकत है। सेकंड क्लास वाले में ताकत नहीं कहेंगे और थर्ड क्लास वाले में तो कभी याद नहीं होती है। याद न होने के कारण जौहर ही नहीं बढ़ता है। पंडित तो बहुत हो जाते हैं। बाबा मिसाल भी देते हैं, पंडित ने कहा बुढ़िया को कि राम नाम स्मरण करने से सागर पार हो जाएगी। तो मनुष्य राम नाम का दान बहुत करते हैं, समझते हैं राम का नाम कहने से सागर से पार हो जाएंगे, परंतु ऐसे है थोड़े ही। वो सभी भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। इस विषय सागर से तुम पार हो जाएंगे ज्ञान सागर में अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। इस अर्थ को तो कोई समझते ही नहीं है, क्योंकि किसी को पार जाना ही नहीं है। वो तो सभी हो गई बिना समझे की गई भक्ति। यहां तो ज्ञान है और ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ब्रह्मा कुमारियां कब भक्ति नहीं करती होंगी, और जो करती होंगी उन्हें ब्रह्मा कुमारी नहीं कहेंगे। हाँ, बाप ने समझाया है कोई का झगड़ा ना हो, तंग ना करे, इसलिए उनको राजी करने के लिए थोड़ा बहुत पार्ट बजाएंगे, फिर तुम ज्ञान दे सकते हो। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन मैं ही हूँ, और कोई को पतित पावन नहीं कहा जाता है। पावन बनना है तो अपन को आत्मा समझो, तो पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, फिर अंत मते सोई गते हो जाएगी। इसमें कब कोई नाराज नहीं होगा। सभी धर्म वालों के लिए परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से कहते हैं, नहीं तो बोलेंगे कैसे। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में कहते हैं देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ अपन को आत्मा समझ, मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जावे। इस समय कहेंगे पांच विकार सभी में व्यापक, सभी में पांच विकार हैं। सत्युग में पांच विकार सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। हाँ, आत्मा तो सर्वव्यापी जरूर है, सभी में आत्मा है, परंतु वहां पांच विकार नहीं होते हैं, इसलिए सुखी है। अभी पांच विकार है तो दुखी है। तो ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। हड्डी समझा हुआ होना चाहिए और बुद्धि एक ठिकाने पर होनी चाहिए। पूरा टेंशन नहीं रहता है तो फिर बुद्धियोग भटकता रहता है। सारी दुनिया में जो भी सत्संग आदि होते हैं, बाप और बच्चों की दृष्टि तो कहीं भी नहीं देखी होगी। यहाँ तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको फिर सतो प्रधान बनाना है। आत्मा को सत्य का संग चाहिए, ये तो झूठ खंड है। झूठ खंड में सब झूठे ही झूठे,
सचखंड से आने वाला एक ही बाप है और वो एक ही बार मिलता है। एक बार सत्य का संग मिलने से आत्मा पवित्र बनकर के चली जाती है, परंतु दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। तुम जानती हो ये लक्ष्मी नारायण कैसे पावन बने? आगे जन्म में पुरुषोत्तम संगम पर ही मनुष्य से देवता बने थे, वहां तो ये ज्ञान नहीं था। यहाँ तुमको ज्ञान है कि हम देवता कैसे बनते हैं, तो ये बातें तुम किसी को भी समझा सकते हो। संगम पर ही बाप आकर के पढ़ाते हैं नई दुनिया में यह बनने के लिए। तो ये ज्ञान कितना सहज समझने का है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति।